प्रदेश का नया मुख्यमंत्री के रूप में उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज वो यहाँ पे श्रीमती प्रतिभा सिंह जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मिलने के लिए आए थे औपचारिक रूप से, और जो एक संगठन और सरकार के बीच में एक तालमेल होना चाहिए उसके बारे में सकारात्मक चर्चा हुई है। और ये अच्छा भी है क्योंकि हमको मिलकर आगे चलना है। प्रदेश के लोगों ने एक क्लियर कट मैंडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है, एंड नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कलेक्टिवली वी वर्क एज अ टीम। और जो भी हमने वादे प्रदेश की जनता से किए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का है, महिलाओं के लिए पेंशन की बात है, और युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का पैकेज है, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट वी हैव स्पोकन फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, तो वी हैव टू डिलीवर ऑन दोज प्रोमिसज और इन अ टाइम फ्रेम मैनर। तो आज तो उसकी शुरुआत है, आज तो क्योंकि सुखू जी की शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें बहुत से केंद्रीय नेतृत्व, हमारा यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे उपस्थित हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। आने वाले समय में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और सरकार को भी और संगठन को भी और मजबूती प्रदान करने के लिए सुखू जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा अभूतपूर्व विकास कार्य करेंगे। There were assumption of division within the party. Are you hopeful you would be able to provide a stable government? 100% वी विल प्रोवाइड स्टेबल गवर्नमेंट बिकॉज द पीपल ऑफ द स्टेट हैव रिपोज्ड फेथ इन अस एंड दे हैव गिवन अस अ क्लियर मैंडेट। नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम उस जनादेश का समर्थन भी करें, उसका स्वागत भी करें, और जो वो जिम्मेवारी उन्होंने दी है उसको हम पूरा भी करें। इसलिए हम मिलकर आगे चलेंगे, कांग्रेस पार्टी एक थी, एक है और एक रहेगी, और हम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए प्रदेश का जो हमारा नारा है सर्वश्रेष्ठ हिमाचल जो है वो देश में हमको बनाना है, उसको हम पूरा करेंगे। एज यू बीन टॉकिंग, एज यू बीन दावेदारी में हॉली लॉज भी सबसे आगे चल रहा था, ऐसे क्या कारण रहे कि हॉली लॉज को तवज्जो नहीं देगी? क्या आप मंत्रिपद में अब शामिल हो सकते हैं सर? देखिए, जो भी उन्होंने कहा है, जो भी शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है हमारे लिए वो सामान्य है, मान्य है, और प्रतिभा सिंह जी ने भी ये कहा था कि अल्टीमेट डिसीजन जो है वो हाईकमांड का होगा, विधायक दल का होगा। इसलिए जो निर्णय पार्टी हाईकमांड ने लिया है हम उसका सम्मान करते हैं और हमने मिलकर आगे चलना है। बाकी जी, एज मिस्टर सुक्खू सेड यू विल बी गिवन कैबिनेट बर्थ, क्या बातचीत हुई है? नहीं, अभी इसके बारे में हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है। सुक्खू जी ने इसके बारे में बयान जरूर दिया है, मगर जब औपचारिक रूप से हमें इसकी जानकारी मिलेगी तभी मैं इसके ऊपर जो है वो कोई अपनी बात जो है वो कह सकता हूँ। As people and your family have been talking about to carry forward the legacy of Veerbhadra Singh, yesterday Mr. Sukhu said he's also one of the member of Veerbhadra Singh, he'll also carry forward his legacy. So how will it be a collective efforts that you would be carrying forward this legacy and Veerbhadra Singh development model of development? नहीं, बिल्कुल, जो वीरभद्र सिंह जी का विकास मॉडल है वो हमारे लिए एक रोड मैप है। मैंने चुनावों में भी ये कहा और अभी भी ये कह रहा हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वीरभद्र सिंह विकास मॉडल पर ही ये सरकार आने वाले समय में प्रदेश के अंदर चलेगी, और सुखू जी ने भी उस बात को दोहराया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और हमें मिलकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को चलाना है, और जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि जो भी जिम्मेवारियां प्रदेश की जनता ने हमारे सबके कंधों पे दी है उसको पूरा करना हम सबका नैतिक दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है, जिसको हम पूरा करेंगे। फाइनली, एज अ यंग लीडर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फॉर योरसेल्फ इन द कैबिनेट एंड व्हाट इज एजेंडा फॉरवर्ड? देखिए, मेरी कोई भी व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं है। मैंने पहले चुनावों के समय में भी कहा था, चुनावों के परिणाम के बाद भी कहा था, और आज फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि आई हैव नो पर्सनल एजेंडा और नो पर्सनल एक्सपेक्टेशंस। मैं जो भी जिम्मेवारी पार्टी हाईकमांड हमको देती है हम उसका स्वागत करेंगे, और जिस तरीके से पहले भी उन्होंने जिम्मेवारी दी है उसका भी हमने निर्वहन किया है, आगे भी अगर कोई जिम्मेवारी देती है उसका भी हम श्रद्धापूर्वक जो है वो निर्वहन करेंगे, ताकि प्रदेश की जनता को हम जो है उनके विश्वास को हम जीत सके और आगे मिलकर हम आगे चल सके। एनी मैसेज टू बीजेपी, दे स्टिल सस्पेक्ट अ डिविजन इन द कांग्रेस? बीजेपी को हमारे अंदर झांकने की बजाय अपने परिवार पे झांकना चाहिए। हम एक थे, एक है और एक रहेंगे। सरकार को मैंडेट कांग्रेस पार्टी की सरकार को मिला है,
मजबूत सरकार हिमाचल में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चलेगी और हम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए जो वादे हमने किए हैं, चुनावी वादे, उनको हम पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।